अटेंशन दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बताए जा रहे हैं। जो काम काफ़ी लेंदी होता है वो ट्रिक से आसान हो जाता है। बिना कलम कागज़ छुए भी आप ऑब्जेक्टिव्स के आंसर दे सकते हैं। एक बार फिर से समझ लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि अगर लेंथ ऑफ वायर तार की लंबाई बिकम्स एन टाइम्स आफ्टर स्ट्रेचिंग देन रेजिस्टेंस बिकम्स एन स्क्वायर टाइम्स। अगर यहाँ स्ट्रेचिंग हो तो एन स्क्वायर करना है। एक बार और ध्यान दें, यहाँ पे अगर स्ट्रेचिंग नहीं हो तो सिर्फ एन टाइम्स होंगे। यहाँ पे लिखूँ क्या, विदाउट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वर्ड नहीं हो रेजिस्टेंस बिकम्स एन टाइम्स। अब रेडियस और डायमीटर, आप तार को स्ट्रेच करेंगे, लंबा होगा साथ में पतला भी होगा, रेडियस घटेगा डायमीटर घटेगा। मान लिया जाए रेडियस डायमीटर घट के 1/n टाइम्स हो गए, 1/n टाइम्स, तब वैसे कंडीशंस में रेजिस्टेंस सीधे n पे पावर 4 कर देना है आपको, लेकिन स्ट्रेचिंग हो तब। कौन सा वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग नहीं हो तो n स्क्वायर टाइम्स, विदाउट स्ट्रेचिंग क्या होगा, थर्ड ट्रिक याद रखें कि एक ही वायर हो, टेम्परेचर फिक्स हो। अब उसको चाहे आप छोटा कीजिए, लंबा कीजिए, चाहे खींच के कीजिए, बिना खींचे हुए कीजिए, उसके रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये चेंज नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक ही सब्सटेंस के वायर से उसको खींच के लंबा कर या काट के छोटा कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं हो। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी नो चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी नो चेंज। तो क्वेश्चन को ध्यान से ये भी पढ़ना है कि रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है या रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है। यहीं पे लोग कंफ्यूज में पड़ जाते हैं और जानते हुए भी गलत हो जाता है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा पढ़ के आंसर नहीं देना है। टेस्ट में देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था, इंडॉन तो नहीं पूछा था, ब्रॉडॉन नहीं पूछा था, उसमें लिखा हुआ था एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट वाला कंडीशन करना था ना। सब लोग क्या किया है, एक्सियल पोजीशन भाई इंड ऑन वाला करके दिखा दिया है, एक नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें कह रहा है कि डायमीटर ऑफ वायर बिकम्स 1/4 टाइम्स देन रेजिस्टिविटी बिकम्स। दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है, नो चेंज, आंसर क्या होगा, नो चेंज। इसी क्वेश्चन में कह रहा रेजिस्टेंस, लेकिन स्ट्रेचिंग वर्ड नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में ये 1/4 टाइम्स है, 4 का स्क्वायर कीजिए, 1/4 नीचे में जो उस पर स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर कितना होगा, 16। अगर यहाँ पे स्ट्रेचिंग वर्ड होता, या मान लो अगर सवाल में स्ट्रेचिंग होता तो आंसर क्या होता हमारा, 256। लेकिन इसमें तो आपको नो चेंज ही रखना पड़ता है, रेजिस्टिविटी नो चेंज, कंडक्टिविटी नो चेंज, आफ्टर स्ट्रेचिंग विदाउट स्ट्रेचिंग। इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स हाफ्ड, यहाँ भी स्ट्रेचिंग वर्ड नहीं है, देन रेजिस्टेंस बिकम, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो घटेगा, हाफ हो रहा तो हाफ होगा।
अब देखिए इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 5 times आफ्टर स्ट्रेचिंग, अब यहाँ स्ट्रेचिंग वर्ड आ गया, अब 5 times आंसर नहीं होगा, 5 का स्क्वायर कीजिए। सवाल में क्या रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है? रेजिस्टेंस है, तो 5 का स्क्वायर 25 times होगा। देखिए फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस में आपको 4 factors दिखाए गए थे, पहला लेन, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा और चौथा क्या था? अब जो हम लोग देखेंगे टेम्परेचर वाला, 3 तो देख चुके हैं आप, तीसरा देखिए नेचर कहाँ से, देखिए रॉ जो, देखिए रॉ जो क्या था वो नेचर के लिए था, अलग अलग सब्सटेंस के लिए रॉ का मान अलग अलग होता है, मतलब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा बता सकते हो? गर्म करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर को जब गर्म करेंगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पा करके तेजी से चलना चाहेगा। अब देखो लोग तेजी से कहीं जाना चाहता है, गाड़ी तेजी से चलाता है, होता क्या है वो जाके टकरा जाता है, क्या होता है जाके टकरा जाता है, सब तेजी निकल जाता है, वो सीधे मंजिल पहुँचने पर ऊपर पहुँच जाता है, इसलिए तेजी से कभी कोई गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। यहाँ भी यही होता है, जब हम किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चलना चाहे, सब गाड़ी तेज़ी से चलना चाहे तो क्या होगा, सब गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएगी, पूरा जाम लग जाएगा। वही कंडक्टर में भी होता है कि जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और अदर पार्टिकल्स के बीच के कॉलिजन का रेट बढ़ जाता है, तेज़ी से वो आपस में टकराने लगते हैं, इसी टक्कर की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसी भी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में जस्ट अपोजिट होगा, सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का पूरा एक लंबा चैप्टर होता है, एक चैप्टर से 8 से 10 number होता है, सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स, ये मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो ये कि डिपेंड्स अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, शुरू में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो बढ़ेगा भी तेज़ी से, कम होगा तो कम तेज़ी से बढ़ेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक आदमी के पास 500 रुपये हो उससे बिजनेस शुरू करें, और एक आदमी के पास 5 lakh हो उससे बिजनेस शुरू करें, किसको ज़्यादा फायदा होगा? जितना ज़्यादा पूंजी उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ेगा। इसलिए इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंक्रीजमेंट भी ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर पे। अब एक लड़का 1 घंटा पढ़ता है, 5 घंटा सोता है, उसको ज़्यादा नंबर आएगा जो 10 घंटा पढ़ता है? किसको आएगा? किसको आएगा? जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, कम मेहनत करेंगे कम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस में भी यही होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हीट देंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ज़्यादा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ये 2 factors पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो होता है वो फिर वहाँ नेचर की बात होती है, उसके लिए कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा का नाम थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्या टॉपिक होगा हमारा, फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस में से एक होगा जो लास्ट बच गया हमारा, टेम्परेचर। तो क्या होता है कि व्हेन एनी कंडक्टर इज हीटेड then rate of collision between electrons and particles
से एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज्ड, जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है. When any conductor is heated, then rate of collision between electrons and particles is increased, as a result of which resistance also increased. अब मान लो, if initial resistance, शुरू में जो resistance है, मान लिया जाए is R0 या R1 मान लें. After heating, गर्म कर रहे हैं आप. अब क्यू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस तब रेजिस्टेंस क्या हो गया बिकम्स आर टू. तो इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर टू माइनस आर वन. पहले आर वन था, बाद में आर टू हो गया, तो बढ़ा कितना, बढ़ने कितना इंक्रीज हुआ, इसके लिए आर टू माइनस आर वन करेंगे. और ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आर टू माइनस आर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर वन, आर टू माइनस आर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी. अब दोनों को मिलाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मिलाइए और एक नया फॉर्मूला निकालिए. इक्वेशन को आप कंपेयर करें, मिक्स करें, तो क्या लिखेंगे, आर टू माइनस आर वन प्रोपोर्शनल आर वन डेल्टा टी, आर टू माइनस आर वन अल्फा आर वन डेल्टा टी. ये हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, गर्म करने के बाद रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा. ये बहुत लगाएंगे, यह जो अल्फा आया है, अल्फा इज कॉन्स्टेंट, इसका नाम है विच इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसे आर टू निकालना चाहे ये कर सकते हैं, आर वन कॉमन ले अल्फा का फॉर्मूला यहीं से निकलेगा आपका दोस्तों, आर टू माइनस आर वन बाई आर वन डेल्टा टी. अगले दिन आपको ये पढ़ के आ रहा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अगला टॉपिक हमारा होगा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये होमवर्क है, वो पढ़ के आना है. आप लोग एक मिनट के लिए रुक जाएं, इस इक्वेशंस को समझ लें, फिर लिखना चालू करेंगे. स्टॉप राइटिंग. देखो दोस्तों क्या किया मैंने, मान लिया कि शुरू का रेजिस्टेंस आर वन है, गर्म करने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ गया, आर टू हो गया, बढ़ा कितना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. अब ये जो है इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा. एक, शुरू में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना तेजी से बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा हम गर्म करेंगे, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, जितना हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी उतना तेजी से बढ़ेगा. अब आप दोनों को मिला दें, मिलाने का क्या रूल है, जो कॉमन हो एक लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये फिजिक्स का रूल लगाएं, प्रोपोर्शनल आएगा, कोई कॉन्स्टेंट आएगा,
कॉन्स्टेंट या अल्फा लाते हैं जिसका नाम है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब R2 निकालना है तो ले जाए प्लस होगा, R1 कॉमन ले लें ये फॉर्मूला होगा, अल्फा निकालना चाहते हैं यहाँ से निकालें R2 माइनस R1 बाई R1 डेल्टा T। अब इसका क्या डिफिनेशन होगा, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, ये सारे आपको पढ़ के आने हैं अगले क्लास में बताइए।